पुलिस आयुक्तालय की ओर से रविवार को पुलिस साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इसे नागरिकों का भरपूर प्रतिसाद मिला। काटोल रोड स्थित पुलिस मुख्यालय में शिवाजी स्टेडियम से रिमझिम बारिश के साथ इसकी शुरुआत हुई। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने साइक्लोथॉन में शामिल नागरिकों को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साइक्लोथॉन में 3,700 स्पर्धक शामिल हुए। विविध मार्गों से होते हुए साइक्लोथॉन में शामिल स्पर्धक वापस शिवाजी स्टेडियम में पहुंचे। यहां पर स्पर्धा का समापन हुआ। कार्यक्रम के दौरान सह पुलिस आयुक्त अस्वती दोजे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, उपायुक्त गजानन राजमाने, लोहित मतानी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी कार्यक्रम में उपस्थित थे। स्पर्धा में सहभागी होने वालों को आयुक्तालय की ओर से मेडल व प्रमाण पत्र दिया गया। स्पर्धा के बाद जुम्बा डांस सहित विविध मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आज हमारा नागपुर पुलिस द्वारा आयोजित साइक्लोथॉन है और आज काफ़ी उत्साह में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, विमेन सेफ्टी, ट्रैफिक डिसिप्लिन और ओवरऑल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इस उद्देश्य से रैली और ये साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। मुझे विश्वास है कि जनता और पुलिस में और ज़्यादा समन्वय बढ़ेगा और ज़्यादा एक बॉन्डिंग होगा और हम लोग मिल के शहर को और ज़्यादा शांत कर पाएंगे। ये 12 किलोमीटर की साइक्लोथॉन रैली है, ये रेस नहीं है, ये एक रैली है और करीब एक घंटे में ये ख़त्म होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे फिर से प्रोग्राम है। इसमें कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? शहर की जनता की पार्टिसिपेशन है और माननीय पालक मंत्री के गाइडेंस में ये पूरा आयोजन किया गया है और जनरल पूरे शहर के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? टोटल हमारे पास रजिस्ट्रेशन अंदाजन 4,000 लोगों का आया था। एग्जैक्टली कितने लोग हैं अभी वो इवेंट के दरमियान पता चलेगा।